कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग गुड। चलिए फिर आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने ड्राइंग क्लास में, उसके बाद चलेंगे हम वॉक के लिए। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को शुरू। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते नहीं होंगे कि मैं बोर्डिंग स्कूल में ही रहती हूँ, तो ये है मेरे क्वार्टर, मतलब जो हमारा हमको रूम प्रोवाइड किया गया स्कूल की तरफ से, ये है। और वो आगे जा रहे हैं हस्बैंड एंड डॉटर। और ये ग्राउंड जो आपको सामने दिख रहा है, शाम को यहाँ मैं इवनिंग वॉक करती हूँ, लगभग 3 से 4 किलोमीटर कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि इतना तो मैं कर ही लूँ, बट समटाइम्स आई गो आउट ऑल्सो, बाहर मतलब गेट के बाहर। तो चलते हैं, देखिए बिल्कुल नेचर के पास है हम लोग, बहुत ही बढ़िया। सामने वो जो दिख रहा है आपको, वो भी हमारे जो स्कूल के ओनर हैं उनका ही हॉस्पिटल भी है वो। देखिए ये भी क्वार्टर्स है, ये सभी क्वार्टर्स है टीचर्स के। माली भैया हैं, ये लोग काम कर रहे हैं गार्डन में अभी। और ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं। ये भी मेरे साथ क्लास में ही जाएंगे, उसके बाद फिर हम तब वॉक में जाएंगे। और ये हस्बैंड के हाथ में मेरी ड्राइंग है, पेंटिंग जो मैंने बनाई थी। और ये देखिए जंगल है यहाँ से ऊपर, इस पहाड़ी के पीछे फिर मार्केट है। ये बहुत सारे नए पेड़ लगाए गए अभी स्कूल में बरसात के टाइम पे। और वो जो आपको दिख रहे होंगे दूर, भैया घास की जो है कटाई करते रहते हैं बीच में मशीन से। बहुत ही शांत नेचर के पास है हम, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर पक्षी देखिए आपको देखने को मिलेंगे, अभी कम ही दिख रहे होंगे, लेकिन बहुत अलग अलग तरह के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैना है, शायद मैना कहते हैं इसको। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आंवला का पेड़, तो सभी जानते हैं और आंवले के फायदे से भी कोई अनजान नहीं है। आपको दिख रहा होगा शायद, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत से आंवले लगे हैं, फोकस, ये देखिए बहुत आंवले लगे हैं, ये देखिए आंवले बहुत लग रखे हैं इस समय। ये सभी पेड़ आपस आपको जहाँ पे दिख रहे हैं, ये आंवले के पेड़ है। और ये वाले जो है, ये वाले, ये जामुन के पेड़ है इस तरफ। और आम के पेड़ यहाँ पे बहुत है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई 200-300 आम के पेड़ होंगे। और आम के सीजन में हमने खूब आम खाया, आप समझ सकते हैं। वैसे भी इस समय बोर्डिंग में बच्चे नहीं हैं, आप जानते हैं, इस समय तो सारे स्कूल्स बंद हैं। और ये भी टीचर्स क्वार्टर है, वो प्रिंसिपल क्वार्टर है पीछे, ये भी टीचर्स क्वार्टर है। इस साइड में आपको दिखाऊं तो अभी सनलाइट से, हाँ ये गर्ल्स डॉर्मेट्री है पूरा। और इसके पीछे आगे दूर जाके फिर थोड़ा दूर है बॉयज डॉर्मेट्री है, ये देखिए। इस साइड भी गार्डन है, इसके पीछे जो है अमरूद गुआवा, गुआवा मतलब अमरूद, जो सभी को पहचान, सभी पता है, जानते हैं सभी, उनके पेड़ है इस समय खूब लगे हुए हैं अमरूद। और ये देखिए बुद्ध जी की जो स्टैचू बना हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। उसके पीछे रूम है, वो म्यूजिक रूम है। और ये है हमारा मेस, इस वक्त क्लोज है, तो इस क्योंकि यहाँ पे अभी कम है, स्टाफ कम है, तो अभी क्लोज है। तभी आपने देखा होगा एक ब्लॉग में मैंने गैस स्टोव मंगाया था, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मैस अभी क्लोज हो गया है हमारा। और ये है हमारा स्टेडियम, और ये है स्कूल की बिल्डिंग, ये जूनियर सेक्शन है, आप देख सकते हैं ये पूरा जूनियर सेक्शन है साइड।
बहुत ही खूबसूरत है, क्लासेस अंदर से सुंदर। और इस साइड जो है ये पूरा सीनियर सेक्शन है बड़े बच्चों के लिए। और सामने है बिल्कुल गेट। तो चलिए स्कूल की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है ड्राइंग की यहीं पे होंगी। ड्राइंग क्लासेस अभी हमारी यहीं पे होने वाली है। ये देखिए, तो आप सभी जानते हैं कि अब बरसात क्योंकि खत्म हो चुकी है, तो इस तरह से अब जगह जगह अलग अलग, कल परसों पीछे के ग्राउंड्स में लगाया गया था, आज इधर यहाँ के लॉन में जो है वाटरिंग स्प्रिंकल किए जा रहे हैं घास को। मैम मेरी ड्राइंग की क्लास में देखिए बच्चे बैठे हैं। ये मेरे ड्राइंग सर है सिया। तो ये लास्ट वीक मैंने ये ड्राइंग बनाई थी पेंटिंग। चलिए तो ओवर हो चुकी है हमारी ड्राइंग की क्लास और हम चले हैं अब वॉक के लिए। आजकल हम कुछ दिनों से यहाँ पे इस रोड पे वॉक कर रहे हैं। रोड मतलब ये जस्ट हमारी ये स्कूल की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इसके साथ ही है ये रोड। और आपको मैं दिखाऊं एक चीज, ये देखिए इस मौसम में भी हमारे यहाँ पे मैंगो आम लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए आम लगे हुए अभी भी। चलिए तो चलते हैं वॉक के लिए। सनसेट का टाइम हो रहा है, टाइम बता दूं मैं अभी आपको, 5:40 हो चुके हैं। अब मैं कम से कम 1 आवर 1 घंटा जो है वॉक करूंगी। ये देख सकते हैं स्कूल की आउटसाइड से आप बाहर की तरफ है ये बिल्डिंग। ये ऊपर सीनियर क्लासेस है, नीचे जूनियर क्लासेस होती है। देखिए बहुत ही शांत सुंदर और मनमोहक इलाका है, और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि ताजी हवा। आप देख सकते हैं इस समय की सनसेट का सीन, देखिए जो इस समय कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए किस तरह से किरणें दिखाई दे रही होंगी आपको, बहुत ही प्यारा है ये नजारा। सामने जो आपको पहाड़ियां दिख रही है, मैं दिखाऊं आपको वॉक करते समय, सामने जो आपको पहाड़ियां दिख रही है वो है हिमाचल की पहाड़ियां। क्योंकि हमारा स्कूल जिस जगह पे है ये हमारा हिमाचल पठानकोट बॉर्डर पे है, तो ये सामने बिल्कुल हिमाचल है हमारा। जो मैंने आपको मंदिर भी दिखाया था नागनी माता का, बिल्कुल हिमाचल लगते ही है वो। चलिए चलते हैं अब आगे। बिल्कुल पेड़ जो है हरे भरे, बहुत ही सुंदर, चारों तरफ हरियाली। ये देखिए जा रहे हैं सिया, मेरी बेटी डॉटर और हस्बैंड आगे। और ये देखिए आप वो पीछे देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, वो क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं वहां पे। पेड़ है काफी सारे। यहाँ से जाएंगे हम लोग वॉक करते हुए आगे। चढ़ाई दिख रही है आपको, आपको इतनी नहीं लग रही होगी पर चढ़ाई है थोड़ा सा। चलिए चढ़ते हैं इस चढ़ाई में। आप इस जगह पे सबसे अच्छी बात है कि आप नेचर के बिल्कुल पास रहते हैं, सब जगह पेड़ पौधे हरियाली। ये हम आ गए हैं मेन रोड पे, यहाँ से मेन रोड पे ये पठानकोट डलहौजी रोड है। ये देखिए ये है वो रोड जहाँ से हम वॉक करते ऊपर आए, और नीचे का व्यू देखिए आप, कॉलोनी है और ये साइड में डीएलएम वैली एंड रिजॉर्ट है जहाँ से आए थे हम लोग। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ऊपर को, ये रास्ता डलहौजी को जाता है,
डलहौजी का नाम तो आप सबने सुना होगा, और नीचे को जाता है ये पठानकोट और हिमाचल को।